आज हम आपको बताने वाले हैं एक नई मॉडर्न टेक्निक जो कि है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, जो कि हम कैंसर के पेशेंट्स में करते हैं। जनरली जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कैंसर छोटा होता है, इसमें हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा पहले लीजन को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर एक सुई डालते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हम उस एरिया को देते हैं, जिससे कि वो ट्यूमर के सेल्स या तो छोटे हो जाते हैं तो ट्यूमर साइज रिग्रेशन के लिए, या फिर ट्यूमर को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए यानी ट्यूमर डिस्ट्रक्शन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके और भी कई यूजेस हैं, जैसे कि कैंसर पेन मैनेजमेंट में सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है RFA में यूज होने वाला नीडल इलेक्ट्रोड प्रोब, जिसके ये निकलते हुए प्रोंग ट्यूमर के अंदर जाकर उसे चारों तरफ से अब्लेट या फिर जला देते हैं। उसके बाद लीजन को देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड या CT का यूज़ करते हैं, और लीजन को देखने के बाद पहले ग्राउंडिंग पैड्स लगाकर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम नीडल को ट्यूमर के अंदर तक डालते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये नीडल पूरी अंदर तक जा रही है ट्यूमर के, और उसके बाद ये ट्यूमर को पूरा अंदर से जला देगी, साथ ही में उसके आसपास के एक छोटे भाग को भी, ताकि वो ट्यूमर और ना फैले। अल्ट्रासाउंड के प्रोसीजर में हम नीडल को धीरे धीरे लीजन के अंदर डालकर ट्यूमर को अंदर से पूरा जला देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा, इस तरीके से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन भारती अस्पताल में करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सबसे ज़्यादा मेरे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर सचिन अग्रवाल का, जो कि ये प्रोसीजर करते हैं हमारे रेडियोलॉजी विभाग में, और उसके अलावा हमारी पूरी रेडियोलॉजी टीम जो इस पूरे प्रोसेस में कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहती है।